लिफ्ट आपकी ऑपरेशनल आप देख सकते हो, और एक बार आपका पूरा लॉबी एरिया का भी आप लेआउट देख सकते हैं। और ये सामने एक सनलाइट देखिए कितनी प्यारी आ रही है, बैक साइड का है, लेकिन दोस्तों सनलाइट देख लो, ये स्पेस आपका कभी खत्म नहीं होगा। तो ये घर आपका छोटा बना है तो इससे ऊपर का स्पेस आपका पूरा ओपन मिलने वाला है, यहाँ पे कभी कुछ नहीं बनेगा। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे आज के इस वीलॉग में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ फिर से इंदिरापुरम के अंदर, बैक साइड का 3 BHK है, लेकिन भाई इसके अंदर एक आपको प्लस पॉइंट ये मिलने वाला है, बैक साइड का जो ओपन एरिया कभी भी आपका खत्म नहीं होगा, आपको सनलाइट प्रॉपर हमेशा आती रहेगी, क्योंकि पीछे जो घर बना हुआ है वो छोटा है आपकी फ्लोर से, तो सनलाइट प्रॉपर रहेगी भाई हमेशा के लिए, ओपन स्पेस आपको हमेशा के लिए मिलेगा। और भाई इस 3 BHK की आप फिनिशिंग देख लेना, इंटीरियर देख लेना, और जो इसके अंदर लेआउट है वॉशरूम से लेकर आपका किचन के अंदर जो भी इन्होंने फिनिशिंग बिल्डर करके दे रहा है भाई, सुपर हिट है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, चीज़ तो मैं ऐसी लेकर आता हूँ जो पहले मुझे पसंद आएगी तभी लेकर आऊँगा, वरना मैं वीडियो नहीं बनाता भाई आप सबके लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया नीतिखंड 1 60 फीटा रोड पे आपका रहने वाला ये प्रॉपर्टी भाई, बैक साइड की जरूर है, डिस्क्रिप्शन में प्राइस है, लेकिन भाई नेगोशिएबल हो जाएगा, बहुत प्यारा चीज, बहुत प्यारा है, वीडियो पूरी देख लेना भाई। कमेंट सेक्शन में कंसर्न हो कोई भी हो कमेंट में पूछ सकता है मुझसे, डिस्प्ले में आपके भाई ने नंबर हमेशा की तरह लगा दिया है, बिल्डर से भी आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में प्राइस मेंशन है, नेगोशिएबल भाई, नेगोशिएबल है, तो जल्दी कॉल कीजिएगा, जल्दी कॉल कीजिएगा। इसकी बैक साइड में थोड़ी बहुत यूनिट्स बची है, इस फ्लोर के अंदर जहां मैं लेकर हूं पीछे ओपन स्पेस प्रॉपर मिलेगा भाई, वीडियो पूरी देख लेना। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज का वीलॉग, 3 BHK बैक सेटर नीतिखंड 1 60 फीटा रोड पे है, पीछे ओपन समेश लाइफ टाइम के लिए आपका भाई आपको लाके दे रहा है। तो भाई अगर कोई भी कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ पूछना तो जरूर पूछना। दोस्तों ये आपका रहने वाला पूरा आपका स्टेयर्स का पार्ट, यहाँ से आपकी स्टेयर्स आ रही हैं, और ये आपका पूरा लॉबी एरिया है, एक फ्लोर के अंदर आपकी 4 यूनिट है, 3 आपकी पड़ जाती है फ्रंट में, ये 3, एक आ जाती है आपकी बैक में। तो दोस्तों इसका मैं हाउस टूर देने वाला हूँ, लिफ्ट आपकी ऑपरेशनल आप देख सकते हो, और एक बार आपका पूरा लॉबी एरिया का भी आप लेआउट देख सकते हैं जो आपको बिल्डर प्रोवाइड करा रहा है। और ये आपका दोस्तों एंट्रेंस है आपके इस 3 BHK के अंदर, जैसा कि मैंने बताया भाई, लेआउट देख लेना इसका, इंटीरियर का काम देख लेना तो मज़ा आ जाएगा। इस टाइम मैं हूँ आपके लिविंग एरिया के अंदर, टाइल्स का काम देखो भाई, पहले तो टाइल्स का डिज़ाइन देखो, काम देखो, ये है आपका पूरा लिविंग एरिया, और उस साइड आ गया आपका डाइनिंग स्पेस, तो डाइनिंग और लिविंग पूरा सेपरेट है भाई, तो आपको बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे निकल कर आएगा। ये एक नज़र डालो आप अपने लिविंग स्पेस के फॉल सीलिंग के ऊपर, ये पूरा लिविंग स्पेस है दोस्तों। यहाँ से हमने करी एंट्री, गेट का पैटर्न भी आप देख सकते हो, पूरा गेट का पैटर्न आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा निकाल के दिया बिल्डर ने, और एंट्री में ही आपको बैक साइड में मिल जाता है मेन स्विच का बोर्ड। और ये फिर से देखिए आप अपना फर्स्ट इम्प्रेशन आपके लिविंग स्पेस का, तो भाई कमेंट सेक्शन में भी पूछिए, डिस्प्ले में नंबर मेंशन है, जो जो बंदा इंटरेस्टेड है कॉल कर सकता है, कुछ यूनिट्स अवेलेबल है। और ये आप देख रहे हैं आपका, देखिए पूरा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपके पूरे लिविंग स्पेस के अंदर क्या बढ़िया निकाल के दिया बिल्डर ने, तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हो ये पूरी वॉल जो आपकी राइट साइड की है पूरी आपकी टेक्सचर के साथ हाइलाइटेड है, पूरी हाइलाइटेड आपकी, नहीं आ रहा नजर तो एक बार फील करा देते हैं, ये देखिए दोस्तों ये पूरा टेक्सचर किया हुआ है इसके अंदर बिल्डर ने, जो आपको एक पूरी हाईलाइट करा के दे रहा है फ्लोर वॉल, उसके ऊपर आपका स्प्लिट एसी का प्रोविजन है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपना 5 to 7 seater का सोफा भी लगाते तो बहुत वॉकिंग स्पेस आपको यहाँ पे निकल कर आता है, और इस साइड अगर आप चाहो तो अपने टीवी पैनल भी बनवा सकते हो, तो बहुत ही प्यारा लेआउट आपका निकल कर आएगा। या फिर आप यहाँ पे आप अपना सोफा प्लेस कर सकते हैं, और इसको आप चाहो तो अपना वॉल को टीवी पैनल के लिए यूज़ कर सकते हो। तो लिविंग स्पेस के अंदर पूरा कारपेट एरिया देखिए भाइयों पहले, तो फिर आगे आपको लेके चलता हूँ, तसल्ली से देखो भाई,
एकदम प्यार से पॉज कर लीजिए, अगर किसी को समझ नहीं है पूरा लेआउट देखने के लिए तसल्ली से देखिए दोस्तों। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट बेडरूम, सेम वेट्रीफाइड टाइल्स है हाई ग्लोस की भाई, सेम पैटर्न की आपकी टाइल्स इसमें भी है, और ये पूरा आपका आगे फर्स्ट बेडरूम, बैक वॉल सेम जैसी लिविंग रूम के अगर हाईलाइट किया हुआ था सेम वही बिल्डर इसमें करा के दे रहा है। और ये सामने आ गया आपका स्प्लिट एसी का प्रोविजन दिया हुआ है बिल्डर ने, और यहाँ पे एयर वेंटिलेशन के लिए विंडो का प्रोविजन दिया हुआ है। और ये आप देख सकते हो पूरा ले आपका कारपेट एरिया जो फर्स्ट बेडरूम के अंदर निकल कर आ रहा है। और ये नजर डालिए फॉल सीलिंग के ऊपर आपके इस फर्स्ट बेडरूम के, पूरा देखिए तसल्ली से भाई, इसमें भी बैक वॉल आपकी पूरी हाईलाइट है जैसे लिविंग एरिया के अंदर बिल्डर करा के दे रहा है। और फर्स्ट बेडरूम से बाहर चलते हैं तो उससे पहले आपको डोर की क्वालिटी भी दिखा देते हैं, सेम पैटर्न के चल रहे हैं भाई डोर्स भी आपके देख सकते हो, और थिकनेस देख लीजिए वुड की। और यहाँ से अगर बाहर लेके चलूँगा तो दोस्तों यहाँ से करी थी हमने एंट्री, ये आ गया आपका पूरा फिर से लिविंग एरिया। और आगे लेके चलता हूँ दोस्तों, दो बेडरूम आ गए आपके सामने, ये आ गया कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में जैसे मैंने बताया था भाई लग्जरी है पूरा आपके वॉशरूम्स वगैरह भी, तो एक नज़र डालो ये वॉशरूम्स के अंदर। ये आ गया आपका शावर स्पेस, ये आपका हैंड वॉश स्पेस, ये सीटिंग स्पेस। तो भाई फील देखो यार वॉशरूम्स के अंदर क्या प्यारा फिनिशिंग करके दे रहा बिल्डर यार, बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है इसके अंदर, और जैगुआर की ही फिटिंग्स इसमें आपको मिल रही है। तो ये आपका कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम से बाहर लेके चलता हूँ दोस्तों, ये सामने आ गया आपका डाइनिंग स्पेस, सेपरेट आपका डाइनिंग स्पेस, इजीली आपका यहाँ से भाई 6 चेयर का डाइनिंग सेट लग जाएगा या 4 का लगवा लीजिए अगर वॉकिंग स्पेस ज़्यादा आपको निकलवाना है तो, आपके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो 6-4 सीटर का डाइनिंग सेट। और ये पूरा स्पेस आपका रहने वाला है डाइनिंग का, जो कि पूरा सेपरेट है, वो था आपका लिविंग स्पेस, ये था आपका डाइनिंग स्पेस, वहाँ से करी थी एंट्री। तो भाई वहाँ पे भी आपको ये डिसेंट स्पीड स्पेस निकल कर आ रहा है और यहाँ पे भी निकल कर आ रहा है। और जस्ट इसके सामने देखिए आपका किचन का फर्स्ट इम्प्रेशन, ये आपका किचन का फर्स्ट इम्प्रेशन है, यू शेप की किचन मिल रही है दोस्तों, और आपकी चिमनी वगैरह पूरी सेम एज इट इज लग के मिलेगी, जो जो एसेसरीज आप देख रहे हो पीछे की पूरी वॉल पे आपकी सेरेमिक टाइल्स हैं भाई हाई ग्लोस की हैं, ये वेंटिलेशन में स्पेस दिया हुआ सनलाइट के लिए भी, और ये वॉशिंग स्पेस है आपका। और ये एक नज़र डालिए आप आपकी किचन के अंदर फॉल सीलिंग के साथ, ये पूरा फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी किचन का। और इनके एक बार कैबिनेट की वुड की क्वालिटी आपको शेयर कर देता हूँ, और ये भी आपका पूरा किचन का फर्स्ट इम्प्रेशन आ जाता है। फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ वुडन का क्या एंट्री दे रहे हैं, ये पूरा लेआउट जो ये निकाल के दिया है इन्होंने किचन का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और डाइनिंग स्पेस के साथ तो और भी बढ़िया निकल कर आएगा जब आपका यहाँ पे डाइनिंग स्पेस पूरा यूटिलाइज हो चुका होगा। और इसी के सामने आ जाता है आपका ये सेकेंड बेडरूम, सेकेंड बेडरूम की एंट्री दोस्तों ये आप देख सकते हो, सेम हाई ग्लोस की वेट्रीफाइड टाइल्स है दोस्तों, इसमें भी बैक साइड आपका पूरा हाईलाइटेड है वॉल टेक्सचर के साथ, ऊपर फॉल सीलिंग का काम भी देख सकते हो आप इसमें। और ये सामने एक सनलाइट देखिए कितनी प्यारी आ रही है, बैक साइड का है लेकिन दोस्तों सनलाइट देख लो, ये स्पेस आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, सामने देखो वाई फील वॉशरूम्स का। और ये आ गया आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके सेकेंड बेडरूम का, सामने आ गया आपका टीवी पैनल, बहुत बढ़िया टीवी पैनल यहाँ पे निकाल के दिए, मैचिंग बहुत बढ़िया की है यार इस फ्लोर में वाइट के साथ, बहुत प्यारी मैचिंग की, एक बार जरूर आना। पूरा फॉल सीलिंग देखिए ऊपर बहुत ही प्यारा निकाला हुआ है। और इसके साथ दिखाता हूँ आपको वॉशरूम, सामने आ गया आपका हैंड वॉश स्पेस का एरिया, सिटिंग स्पेस, ये शावर स्पेस, ये पूरा आपका सेकंड बेडरूम का वॉशरूम कनेक्टेड, बहुत ही प्यारा काम किया है भाई, LED प्रोफाइल लगाई हुई है देखिए व्हाइट कलर में, और बहुत ही प्यारा आपको स्पेस दिखा देता हूँ क्या कारपेट एरिया निकल कर आ रहा है। ये पूरा आपका कनेक्टेड वॉशरूम है सेकंड बेडरूम के साथ जो कनेक्टेड है, वेंटिलेशन यहाँ पे दिया हुआ, एग्जॉस्ट वगैरह सब बिल्डर प्रोवाइड करा रहा है दोस्तों। यहाँ से बाहर लेके चलता हूँ, उससे पहले भाई आपको वार्डरोब का भी दिखा देता हूँ, वार्डरोब स्पेस जो बिल्डर प्रोवाइड करा रहा है इसमें आप देख सकते हो, ये वार्डरोब स्पेस आपका यहाँ पे निकल कर आ रहा है आपके सेकंड बेडरूम के अंदर दोस्तों। और यहाँ से आगे चले तो दोस्तों ये आप यूटिलाइज कर सकते हो आपका ड्रेसिंग के लिए, यहाँ पे ग्लास लगवा सकते हो,
पूरा, तो ड्रेसिंग भी आपका इसी में निकल जाएगा। और ये आ गया आपका फिर से डाइनिंग स्पेस, यहाँ पे किचन, सामने से एंट्री करी थी दोस्तों। फील देखो एक बार, ये फील देखिए भाई क्या प्यारा निकाल के आया है, बहुत बढ़िया निकला हुआ है। आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम, और इसके अंदर आपका पीछे स्पेस भी मिल जाता है। पहले देखिए कारपेट एरिया, क्या सही क्या बेहतरीन निकाला यार कारपेट एरिया इस रूम में आपका। और सामने आ गया टीवी पैनल के साथ आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, फॉल सीलिंग के साथ बहुत ही प्यारा निकाला हुआ। राइट साइड में आपका सारा यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है फिल्टर ने, एसी वगैरह का, लाइट्स का। और ये पीछे की वॉल पूरी आपकी पूरे टेक्सचर हुआ पड़ा है भाई, जैसा कि आपकी हर वॉल के अंदर था लिविंग में और हर रूम्स में, पूरा फॉल सीलिंग के साथ। फैंस वगैरह देखिए आपके हेवल्स के है भाई, ये स्पेस भी बिल्डर प्रोवाइड करा रहा है आपका वार्डरोब स्पेस के साथ। देख सकते हैं सेम स्पेस है जो आपका सेकंड बेडरूम के अंदर आ रहा था। और यहाँ से आ जाता आपका बैक साइड का स्पेस, इसका दिखाऊंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। उससे पहले फर्स्ट इम्प्रेशन तसल्ली से देखो आपके इस थर्ड बेडरूम का। और यहाँ से आगे लेके चलता हूँ, स्पेस ये आगे थोड़ा विंडो वगैरह दी हुई है दोस्तों आपके सनलाइट के लिए और एयर वेंटिलेशन के लिए। ये आ गया आपका बैक साइड, ये देखिए बैक साइड का स्पेस है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था ये घर आपका छोटा बना है, तो इससे ऊपर का स्पेस आपका पूरा ओपन मिलने वाला है, यहाँ पे कभी कुछ नहीं बनेगा, तो पूरा बैक साइड ही आपको ओपन मिल रहेगा भाई बैक साइड के अंदर। और इधर भी ये घर बना हुआ है, तो इससे ऊपर कुछ नहीं बनने वाला दोस्तों, ये पूरा स्पेस आपका ओपन निकल कर आ रहा है। देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का 3 BHK नेतिखंड 160 फुटा रोड के ऊपर बैक साइड का था, लेकिन आपने वीडियो में देख ही लिया होगा दोस्तों, बैक साइड में भी ओपन एरिया हमेशा रहेगा आपका, कभी खत्म नहीं होगा। प्राइस बहुत बढ़िया निकल कर आने वाला है आपके लिए यार, विजिट जरूर करना। जो बंदा बैक साइड 3 BHK के अंदर बजट के अंदर लिफ्ट और पार्किंग के साथ इंटरेस्टेड होते हैं, जरूर इसको कंसिडर कीजिए, पर्सनली रिकमेंड है भाई। ऐसी चीजें बार बार नहीं निकल कर आती है, इसलिए जो मुझे अच्छी लगती है रीजनेबल होती है, मैं लेकर आ जाता हूँ सबके लिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, जो जो बंदा इंटरव्यू का कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्प्ले में नंबर मेंशन है, कॉल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्राइस मेंशन है, देख लीजिएगा। और दुआ में याद रखना, प्यार बनाए रखना, रविंद्र व्लॉग्स देखते रहना, शेयर लाइक और सब्सक्राइब कराते रहना।